मानिएगा, एक घटना हमारे साथ घटी है, सत्य बता रहे। ये जो तुमने बसों में देखा ना, फलाने बाबा, सुलेमानी बाबा, बसीकरण, मनचाहा प्यार, गड़ा हुआ धन पाइए, 24 घंटे में काम करवाइए। एक हमारे पास आया, हमने पर्चा बनाया, उनका पूछो क्या बात है, बोले गुरुजी लुगाई भग गई, पत्नी भग गई, हमका काम क्या करते हो, बोले दूसरों के काम सफल करवाते हैं। उसने अपना पेपर दिया, उसमें लिखा था सौतन से छुटकारा, मनचाहा प्यार, गड़ा हुआ धन। हमका तुम दूसरों की क्या खाक मिलाओगे, अपनी बारी फुर उड़ गई है। जब खुद की फुर उड़ गई तो दूसरों की क्या हलवा जोड़ पाओगे। बुरा मत मानिएगा, आपके पास जो है उसको संभाल करके रखिए, आपके पास जो है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है। हाँ, क्या कम है माई बाप। आदमी वो हैरान है, पागलो कौन, जो अपने सुख को देखकर सुखी नहीं है, पड़ोसी को सुख के देख करके दुखी है, वो आदमी हैरान है। तुम्हारी जिठानी के पास कौन सी साड़ी है रहने दो, तुम अपनी वाली देखो कि 500 रुपया वाली है कि 1000 वाली, और तुम अपनी देवरानी जिठानी की साड़ी में ही आग बबूला हो जाती। हमारे एक मित्र थे, वो हमसे बोले गुरुजी हमारी पत्नी रोज रोटी जला कर देती है। हमका जरा चेक करना वो किसी से जलती तो नहीं है। हाँ, इसलिए बुरा मत मानिएगा, आप अपने सुख से सुखी रहिए। बोलो सीताराम। एक आदमी हमें मिला, वो रोने लगा। हमका क्यों रो रहे, बोले गुरुजी जूता नहीं है। हमका पहन तो रखे, बोले गुरुजी जूता तो है, कंपनी के नहीं है, एडिडास के नहीं है। हम भी बहुत मजाकी आदमी थे, वो आदमी भी दिल्ली का था। हमका बेटा जूतों की कमी, कोई भी कांड करो जूता ही जूता मिलेंगे, इतने जूता मिलेंगे कि खोपड़ी में बाल नहीं बचेंगे, बना करना पड़ेगा बस। अरे बोले नहीं नहीं वो जूते नहीं, पहनने वाले। हमने कहा भाई पहने तो हो, बोले गुरुजी हमारे पड़ोसी के पास में एडिडास के हैं। हमने हाथ पकड़ा, ले गए हम झोपड़ी में। हमने कहा इधर आ, उसे लगा गुरुजी जूता लिबवा रहे। ले गए हम झोपड़ी में, एक आदमी बैठा था बहुत गरीब दीनहीन, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हमने कहा जरा गौर से देखो ये कौन है, गुरुजी ये आपका भगत है। हमका गौर से देखो क्या हाल है, गुरुजी आपको देखकर बहुत खुश हो रहा। हमने कहा भैया और गौर से देखो, और जब देखा तो वो खड़ा नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसके दोनों पैर नहीं थे। हमका क्यों भाई साहब समझ में आया, बोला नहीं। हमका अगर तुम अपने से ऊपर लेवल वालों को देखोगे तो दुखी रहोगे, अपने से नीचे वालों को देखोगे तो सुखी रहोगे।